आईडी 430 का आज हमारा लेसन नंबर 2 है, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज नेटवर्क। अब नेटवर्क है क्या? नेटवर्क है बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट करना है, ठीक है। हम लोगों ने एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड रहना है। अब कहता है कि नेटवर्क कैन बी एनीथिंग फ्रॉम अ सिंपल कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एट वन लोकेशन कनेक्टेड थ्रू अ कनेक्टिविटी मीडिया टू द इंटरनेट। यानी कि अब वो कह रहा है कि नेटवर्क का मतलब यह है कि आप कंप्यूटर्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं, आप लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप आपस में डाटा शेयरिंग कर रहे हैं, तो ये एक नेटवर्क है, ठीक है। अब उसने यहाँ पे एक टाइप नेटवर्क ही दी है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसी टाइप ऑफ नेटवर्किंग है या नेटवर्क की एक ऐसी टाइप है जिसमें आप एक पार्टिकुलर प्लेस के अंदर, एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर जो है वो नेटवर्किंग कर सकते हैं, नेटवर्क अपना कायम रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि अगर आप एक बिल्डिंग में रहना चाह रहे हैं, तो आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो सिर्फ एक बिल्डिंग में या फिर एक रूम तक जो है वो यूज़ होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। यानी कि आप उसको ग्लोबली यूज़ नहीं कर सकते, या पार्टिकुलर एरिया प्लेस के अंदर रहते हुए आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वो कहता है कि हमें नेटवर्किंग की जरूरत पड़ती क्यों है, तो उसने बताया कि हमने फाइल शेयर करनी होती हैं, जैसे हमने प्रिंटआउट्स निकालने होते हैं, उसके बाद प्रोग्राम्स की शेयरिंग करनी होती है, या फिर हम लोगों ने आपस में कम्युनिकेट करना होता है, तो इसके लिए हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। वो कहता है कि नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है। अब नेटवर्क प्रोटोकॉल उसने यहाँ पर लिखा है कि वो दो ऐसे स्टैंडर्ड रूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं और अपनी जो डाटा है, अपनी फाइल्स वगैरह उनको शेयर करते हैं, तो हम उसको नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। उसने लिखा है कि अ ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल दैट प्रिपेयर द डाटा फॉर कम्युनिकेशन ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड प्रोटोकॉल स्टैक। अब प्रोटोकॉल स्टैक की अगर डेफिनेशन आ जाएगी, तो आपने लिखना है कि ये ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जो यूज़ करते हैं हम लोग, जो प्रिपेयर करते हैं हमारे डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए। तो अब हमारे पास एक और एब्रीवेशन आ गई है, ISO। इसके अंदर एब्रीवेशन IT 430 के अंदर बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है। IT 430 के अंदर जितनी भी आपको एब्रीवेशन नज़र आ रही हैं, आपने उन सबको जो है वो लाजमी याद रखना है। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देख ली थी, और अब ये सेकंड लेक्चर की भी चल रही हैं। तो अब वो कहता है कि ISO क्या है, ठीक है। ISO मॉडल है, तो ISO है क्या? तो उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स है। अब 1970 में केम हुआ था ISO मॉडल का, कंसेप्चुअल मॉडल फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो अब वो कहता है कि ये जो कॉन्सेप्चुअल इसका मॉडल था वो था क्या, यानी कि कॉन्सेप्चुअल हमने एक मॉडल उन्होंने दिया था 1970 में, कि जो भी हमारे पास इंटरनेट का जो नेटवर्क है वो क्या है, इसके अंदर कितनी लेयर्स हैं, ये लेयर्स क्या क्या काम करती हैं, सिर्फ उसका एक जो कॉन्सेप्चुअल जो लेवल की जो लेयर्स थी उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया था। अब वो कहता है कि OSI जो है सबसे पहले तो स्टैंड कर रहा है फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल। उसके बाद उसने बताया कि इसके अंदर 7 लेयर्स हैं आर्किटेक्चर की जो हम लोग अभी यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर नेक्स्ट लाइन लिखी है जो हाईलाइटेड नहीं है, वो कहता है कि हर लेयर एक्सेप्ट जो है हम लोग फिजिकल लेयर को छोड़ के जो सारी लेयर्स हैं वो क्या करती हैं, एट द सेंडिंग मशीन सेंड इंस्ट्रक्शंस। यानी कि जो हमारे पास फिजिकल लेयर है उसको छोड़ कर बाकी जो सारी लेयर्स हैं वो क्या करती हैं कि वो हमारी मशीन के अंदर इंस्ट्रक्शंस को जो है वो सेंड करती हैं। अब वो कहता है द प्रोसेस ऑफ मूविंग द डाटा डाउन टू द OSI प्रोटोकॉल स्टैक एट द सेंडिंग मशीन इनकैप्सुलेशन कहलाता है, और द प्रोसेस ऑफ मूविंग द डाटा अप टू द OSI स्टैक। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे अब आप ISO का मॉडल देखें, ठीक है, ये इसने मॉडल दिया है, अगर आप इसके थ्रू नीचे की तरफ आ रहे हैं या आप इसका जो डाटा है वो ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो इसके बारे में उसने बताया है कि अगर आप जो है वो उसका डाउन की तरफ मूव करें स्टैक में, तो क्या होगा, इसको इनकैप्सुलेशन कहेंगे। यानी कि ये वाला जो हमारा प्रोसेस है सेंडर साइड वाला, ये इनकैप्सुलेशन क्या है, और जो प्रोसेस हमारा अप की तरफ जा रहा है वो क्या है, वो डी इनकैप्सुलेशन का है। ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है कि वो पूछेगा कि इनकैप्सुलेशन और डी इनकैप्सुलेशन में क्या फ़र्क है। तो OSI में अगर हम लोग डाउन स्टैक मूव करते हैं तो वो हमारी इनकैप्सुलेशन है, अगर अप स्टैक मूव करेंगे तो वो हमारी डी इनकैप्सुलेशन है, यानी कि वो जो अपोजिट डायरेक्शन में हमारे जो है काम कर रहे हैं। अब एप्लीकेशन लेयर क्या है, वो कहता है कि ये हमारी सबसे टॉप वाली लेयर है, सबसे फर्स्ट लेयर हमारी एप्लीकेशन लेयर है। वो कहता है कि इट्स इट एट द टॉप ऑफ OSI मॉडल। अब वो करता है क्या है कि रिक्वेस्ट जो होती है रिलेटेड टू द फाइल ट्रांसफर एंड डेटाबेस क्वेरीज आर हैंडल्ड बाय दिस लेयर। अब वो अगर आपसे पूछे कि हमारे पास सबसे पहला स्टेप अगर आता है OSI मॉडल में तो क्या है, तो वो आपने बताना है कि हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर जितनी भी रिक्वेस्ट जाती हैं या फिर डेटाबेस की जितनी भी क्वेरीज हैं उसको हैंडल करने के लिए एप्लीकेशन लेयर ही यूज़ होती है। इसके अंदर उसने बताया है कि इसके अंदर दो जो है वो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो है HTTP और FTP। अब HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये हम सबको पता है। उसके बाद एक और जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है वो FTP है। तो वो आपसे इसके बाद पूछेगा कि FTP का क्या मतलब है, किसके लिए एब्रीवेशन यूज़ हो रही है, तो आपने बताना है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑपरेट दिस लेयर। यानी कि अगर आपने एप्लीकेशन लेयर को ऑपरेट करना है तो हमारे पास दो जो प्रोटोकॉल्स हैं वो जो यूज़ हो रहे हैं वो FTP और HTTP हैं। उसके बाद हमारे पास आती है प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन नाम से ही बता रहा है कि वो हमारी कोई चीज़ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो वो कहता है कि इट इज़ द ट्रांसलेटर ऑफ द OSI मॉडल, यानी कि OSI मॉडल में जो भी काम हो रहा है उसको ट्रांसलेट करेगा हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। इट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन थ्रू इट्स हेडर
दैट हाउ द जितनी भी इंस्ट्रक्शन है उसको ट्रांसलेट कौन करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर को यूज़ करते हुए जो है आप सारा जो डाटा है आपकी मशीन जो है वो रिसीव करेगी, उसका फॉर्मेट करेगी, और उसके बाद इसने यहाँ पे बताया कि मल्टी पर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल जो है वो कि इसको जो है वो ऑपरेट करेगी, जैसे यूपर एफ टी पी और एच टी टी पी कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर क्या है कि अब हमारे पास जो है एक और प्रोटोकॉल है जो प्रेजेंटेशन लेयर को जो है ऑपरेट कर रहा है। अब हमारे पास आता है सेशन लेयर, इट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस अबाउट द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द सेंडिंग एंड रिसीविंग मशीन्स ड्यूरिंग अ सेशन। अब सेशन लेयर क्या करता है कि जब हम कोई चीज़ सेंड कर रहे हैं या फिर हमारे पास कोई चीज़ रिसीव हो रही है तो वो उसकी जो नेचर है कम्युनिकेशन की उसको देखता है, कि उसको इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है हमारा सेशन लेयर। अब सेशन लेयर के अंदर उसने बताया हुआ है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल को हम लोग सेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। अब उसने यहाँ पे सेकंड लाइन में लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स का सेशन प्रोटोकॉल डाटा यूनिट्स वर्क्स एट दिस लेयर। अब इसके अंदर क्या है कि थ्री जो हमारे पास मोड्स हैं वो यूज होते हैं। अब इस थ्री मोड्स के अंदर क्या है, हमारे पास सिंप्लेक्स है, हाफ फ्लेक्स है और डुप्लेक्स है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेशन लेयर का कि इसके अंदर कौन कौन से जो है लेयर्स हैं वो यूज होती हैं कम्युनिकेशन के लिए। अब जो सिंप्लेक्स है उसमें क्या है कि सिर्फ जो है यूनिडायरेक्शन हमारी कम्युनिकेशन है वो होती है, यानी कि सिर्फ एक डायरेक्शन में जो हमारी कम्युनिकेशन है हम कर सकते हैं। तो अब कहते हैं कि सिंप्लेक्स मीन कम्युनिकेशन इन वन डायरेक्शन ओनली। उसके बाद हमारे पास आता है हाफ डुप्लेक्स। अब हाफ डुप्लेक्स का क्या मतलब है कि मीन्स कम्युनिकेशन इन टू डायरेक्शन बट वन पार्टी कैन सेंड डाटा एट अ टाइम, यानी कि हमारे पास हाफ डुप्लेक्स के अंदर टू जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एट अ टाइम जो है एक ही कंप्यूटर डाटा सेंड कर सकता है। जब उसका डाटा सेंड हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है दूसरा जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। अब फुल डुप्लेक्स में क्या है कि फुल डुप्लेक्स में है कम्युनिकेशन इन टू डायरेक्शन, यानी कि एक एक ही टाइम पे दो पीसी जो है या कंप्यूटर जो है एक दूसरे को डाटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, यानी कि एक एक को सेंड करने के बाद इस बात का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि जो दूसरा कंप्यूटर है उसकी फाइल सेंड हो जाए फिर मैं अपनी सेंड करूंगा, ठीक है। तो इसमें आप जो है दोनों साइड्स पे हमारी कम्युनिकेशन जो है एट अ टाइम हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब इसके अंदर टीसीपी प्रोटोकॉल और यूडीपी प्रोटोकॉल जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं इस लेयर को। इस हर एक लेयर के अंदर कोई ना कोई प्रोटोकॉल जो है उसको ऑपरेट कर रहा है, जो अपना याद करना है, जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अब वो कहता है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी कर रही है उसके अंदर, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो टीसीपी प्रोटोकॉल है और जो यूडीपी प्रोटोकॉल है। अब टीसीपी क्या है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, और जो यूडीपी है वो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। ऑपरेट दिस लेयर इट हैज टू फंक्शन, यानी कि इसके पास दो काम है। इसने क्या करना है कि कन्वर्ट करना है डाटा को इनटू पैकेट्स, ठीक है। सबसे पहला काम इन दोनों का क्या है कि इनने उन्होंने जो हमारे पास डाटा है उसको पैकेट्स में जो है वो कन्वर्ट करना है, और देन इसने सेकेंडली क्या करना है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ द डाटा। इसने क्या करना है कि जो हमारे पास जितना भी डाटा है उसको फ्लो, उसका जो फ्लो है उसको कंट्रोल करना है, कि डाटा जिस फ्लो में या जिस डायरेक्शन में जा रहा है इसने उसको चेक करते रहना है कि जो हमारा डाटा है वो सही फ्लो में जा रहा है कि नहीं। अब वो कहते अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है आईपी एड्रेसेस वगैरह के लिए, आईपी प्रोटोकॉल यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के लिए, और ये बताती है कि कौन से राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल यूज़ होंगे, जो इसका प्रोटोकॉल है ये किस अपने एड्रेस पे जाके हमने डाटा को सेंड करना है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो हमारी जो है सारी जो है नेटवर्क लेयर देखती है। उसके बाद हमारे पास आती है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर जो है उसने बताया है कि टेक इसके अंदर क्या होता है कि इट प्लेसेस डाटा पैकेट्स इनटू द डाटा फ्रेम्स, यानी कि जो हमारे ऊपर ट्रांसफर वाली लेयर में जो हमने डाटा पैकेट्स बनाए थे उनको फ्रेम्स में जो है वो कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार ड्राइवर्स हैं प्रोटोकॉल्स हैं ऑपरेट दिस लेयर। अब उस ऊपर तो हमारे पास जो थे जितने भी यूज हो रहे थे प्रोटोकॉल्स, अब यहाँ पे क्या है कि इस लेयर के अंदर जो है हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार ड्राइवर जो है उसको यूज करके हम लोग अपने इस लेयर को ऑपरेट कर रहे हैं। उसके अलावा ये बताता है कि इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द मैक और हार्डवेयर एड्रेसेस, यानी कि इसके अंदर इसको हम लोग जो यूज करते हैं, अगर आपसे वो पूछे कि मैक एड्रेस या हार्डवेयर का जो एड्रेस है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है तो आप कौन सी लेयर को यूज करेंगे, तो उसके लिए उसने बताया हुआ है कि आपने डाटा लिंक की लेयर को यूज करना है, और इसी के अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो भी सारा कुछ जो हो जाता है। इसके अंदर एक और एब्रीवेशन है, अब आपसे वो पूछ लेगा साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक जो है वो किस का एब्रीवेशन है, यानी कि वो सीआरसी दे देगा, तो आपने उसको बताना है कि ये इसका एब्रीवेशन है। उसके बाद अब जो हमारे पास लास्ट लेयर है वो है फिजिकल लेयर। वो कहता है कि इट हैज गॉट नो हेडर, यानी कि इसके पास हेडर नहीं है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ लिया था कि ये जो है इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो हेडर से जा रही है उसके अंदर अगर सारी लेयर जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, एक लेयर जो पार्टिसिपेट नहीं करेगी वो फिजिकल लेयर होगी। वो कह रही है कि इसके पास कोई हेडर नहीं होता। अब ये क्या करती है कि ऑल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द हेडर इन्फॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इन टू द बाइनरी डाटा। अब बाइनरी डाटा क्या होता है कि कंप्यूटर जो है हमारी लैंग्वेज जो हम लोग इंग्लिश या फिर टर्किश कोई भी लैंग्वेज हम लोग जो बोलते हैं उसको जो है कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो अब कंप्यूटर ने जो लैंग्वेज
यूज करनी है वो हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज है, जीरो और वन की लैंग्वेज, ठीक है। अब जो भी हम लोग मैसेज सेंड करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो जीरो और वन की लैंग्वेज में ही कंप्यूटर जो है उसको अंडरस्टैंड कर रहा है। तो डाटा है वो बाइनरी लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। वो कहता है कि रिजल्ट्स इनटू द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, यानी कि जब ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स क्रिएट करता है वंस और जीरोस की लैंग्वेज में, ठीक है। और फिर उनको जो है आपस में मिला के फिर वो आपस में ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल करते हुए वो उस साइड तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमने अपना मैसेज सेंड किया होता है। तो ये जो लेयर्स थी, ये सारी वो लेयर्स थी जिनको यूज करते हुए हमारा मैसेज जो है एक सेंडर से रिसीवर तक जाता है, ठीक है। वो कहता है कि सारी लेयर्स को हम यूज करते हैं, और एट द एंड जो है वो फिजिकल लेयर होती है। फिजिकल लेयर क्या करती है कि हमारा सारा डाटा जो है जीरो और वंस की लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, और फिर वहां से जो है हमारा जो डाटा है वो सेंड होना शुरू होता है और वो रिसीविंग साइड तक जो है वो पहुंच जाता है। अब जो नेक्स्ट जो हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है इंटरनेट लेयर, टीसीपी ओवर आईपी स्टैक। अब वो कहता है कि इंटरनेट कम्युनिकेशन मॉडल टीसीपी ओवर आईपी स्टैक पर्पस जो है वो क्या करता है, इसके पर्पसेस हैं एज अ फोर लेयर आर्किटेक्चर, ठीक है। वो कहता है कि जैसे ऊपर सेवन लेयर थे, लेकिन इंटरनेट लेयर जो है टीसीपी ओवर आईपी स्टैक के इसके फोर जो है वो आर्किटेक्चर्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली जो अभी तक हमने ऊपर जो सेवन लेयर्स पढ़ी थी फिजिकल लेयर तक, वो OSI मॉडल की थी, ठीक है। OSI मॉडल के सेवन जो लेयर्स थी वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब ये जो हमारे पास ये वाला टॉपिक है टीसीपी और आईपी, ये एक अलग से नया टॉपिक है, ठीक है। अब वो कहता है कि ऊपर जैसे उसकी सेवन लेयर्स थी, इसके अंदर सिर्फ फोर लेयर आर्किटेक्चर है जो कम्प्लीट कर रहा है टीसीपी और आईपी स्टैक का। अब वो क्या कहता है कि जो इस लेयर के ये वाला जो आईपी स्टैक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी एप्लीकेशन लेयर है, सिर्फ और सिर्फ जो इसकी एप्लीकेशन लेयर है वो इज इक्वलेंट टू द OSI मॉडल एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर। अब वो कहता है कि जो टीसीपी आईपी स्टैक है हमारी, उसके अंदर जो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन लेयर है वो हमारी OSI मॉडल के तीन लेयर्स को एक दफा में जो है कंबाइन करके उसका जो डाटा है वो या फिर जो भी उसका प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेता है। यानी कि इसके एक लेयर यानी कि एप्लीकेशन लेयर के अंदर OSI मॉडल के जो तीन लेयर्स का काम है वो कंप्लीट हो रहा है। देन वो कहता है कि इसका जो नेक्स्ट है वो होस्ट टू होस्ट लेयर है, ठीक है। जो सेकंड हमारी लेयर है इज इक्वल टू द OSI ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी कि टीसीपी और जो हमारी ट्रांसफर कर रही थी सारी फाइल्स, उसका जो काम है वो होस्ट टू होस्ट लेयर करती है। अब बेसिकली इसमें है क्या, जो फर्स्ट फर्स्ट आप वर्ड देखेंगे जैसे एप्लीकेशन लेयर, होस्ट टू होस्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर, ये चार लेयर्स हैं जो हमारी टीसीपी और आईपी स्टैक की लेयर्स हैं जो कि OSI मॉडल का ही काम कर रही है। लेकिन बात यह है कि उसमें सेवन लेयर्स थी और इसमें फोर हो गई हैं। अब वो कह रहा है कि जो हमारे पास इंटरनेट लेयर है वो क्या है, वो इक्वलेंट है OSI मॉडल नेटवर्क लेयर के, यानी कि जो नेटवर्किंग लेयर कर रही थी वो इंटरनेट लेयर जो है वो टीसीपी और आईपी में कर रही है। अब वो कह रहा है कि नेटवर्क एक्सेस लेयर क्या है, वो इक्वलेंट टू द मॉडल इक्वलेंट टू OSI मॉडल डाटा लिंक लेयर, यानी कि जो डाटा लिंक लेयर काम कर रही थी वो हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर जो है वो काम कर रही है, और फिजिकल लेयर जो है वो सेम जो काम है वो सब में कर रही है। तो ये हमारा जो था वो सेकेंड लेक्चर था। थोड़ा सा ये है कॉम्प्लेक्स, लेकिन जो है इसको याद करना जरूरी है क्योंकि पेपर में इसके अंदर से बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू सो मच।